स्वामी नारायण अवतारी, है श्री मुख की वचनामृत वाणी, सकल विश्व को सुखकारी, है धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति की, जय हो धर्म ये क्रांति की, है वचनामृत की विशताब्दी, जय हो सहजानंद की, जय हो सहजानंद की, जय हो सहजानंद की। सत्संगनो महिमा शु गुणात्मन समय कहू नवरा बैठा नथी, करोड़ करोड़ काम करी आ सत्संगनो महिमा आप आया छे, कथा सांभरी छे, करोड़ काम करोड़ दुकानों चलाव छो, तेनु फल ब्रह्मांडनु राज मले एटलू पुण्य थाय छे। એટલે કોઈ પણ આ સત્સંગની ક્રિયા, આ ઠાકોરજીની ક્રિયા, આ ડેકોરેશન કરો, સાફસૂફ કરો, બધાનું આટલું ફળ છે। વંદે બ્રહ્મ પુરાધિપમ શ્રી સહજાનંદમ ચ મૂળાક્ષરમ श्रेयस्कारणसद्गुणैकनिलयं श्रीप्रागजिं भावत ब्रह्मोपासनधारकं गुरुहरिं यज्ञं तथा योगिनं प्रत्येवं प्रमुखं महंतमनिशं श्रीजीस्वरूपं मुदा। महिमानो महिमा प्रवचन माला मा सौने साष्टांग प्रणाम, जय स्वामीनारायण। हैप्पी हैप्पी वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव, हैप्पी हैप्पी श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव, हैप्पी हैप्पी श्री वचनामृत निरूपण। छेल्ला 7 दिवसथी आपणे लोया प्रकरणनुं बीजू वचनामृत वांची अने विचारता हता। गईकाले ए वचनामृतनी समाप्ति करी आजे आपणे लोया प्रकरणना त्रीजा वचनामृतमां प्रवेश करी रह्या छीए। स्वामीनारायण हरि ए वचनामृत लोया प्रकरणनुं त्रीजुं महात्म ज्ञाने सहित निश्चयवाळानुं स्वामीनारायण हरि संवत 1877ना कार्तिक वदी तिरसनी दिवस श्रीजी महाराज गाम श्री लोया मध्य सूरा खाचरना दरबार में रात्रि ने समय ढोलिया पर विराजमान था अने दौड़े छीटनी डगली पहरी थी तथा रूनो भरेलो दौड़ो सुरवाड़ पहरियो हतो अने मस्तक पर दौड़ो फेंटो बांध्यो हतो तथा दौड़ी पछेड़ी ओढ़ी थी अने पोताना मुखार विंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सत्संगीनी सभा भराईने बैठी हती। ते समयने विषे श्रीजी महाराज ने भगवदानंद स्वामी तथा शिवानंद स्वामीए प्रश्न पूछो जे भगवान तथा संत तेनो जेने मात्र ज्ञाने सहित निश्चय होय तेना शा लक्षण छे। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे जेने भगवानों ने संतनों महात्म ज्ञाने सहित निश्चय होय तेथी भगवान ने अर्थे अने संतने अर्थे शू न थाय, एने अर्थे कुटुंबनो त्याग करे, लोकलाजनो त्याग करे, राज्यनो त्याग करे, सुखनो त्याग करे, धननो त्याग करे, स्त्रीनो त्याग करे, अने स्त्री होय ते पुरुषनो त्याग करे, एम कहीने पछी आ सर्वे हरिभक्तनी वार्ताओ एक बीजा केड़े करी। गाम डडोसरवाड़ा रजपूत गलूजी तथा धर्मपुरवाड़ा कुशल कुंवरबाई
तथा पर्वतभाई तथा राजभाई तथा जीवूभाई तथा लाडूभाई तथा मोटा रामभाई तथा दादो खाचर तथा माचो भक्त तथा मूलजी ब्रह्मचारी तथा भूजवाड़ा लादीभाई अने माताजी तथा मुक्तानंद स्वामी तथा वाड़ाक देशनो आहिर पटेल सामत तथा गाम मानकुवाना मूलजी तथा कृष्णजी तथा वाड़ाक देशना गुंदाड़े गामना बे काठी हरिभक्त इत्यादि जे सत्संगी तेमणे भगवान ने अर्थे ने संत ने अर्थे जे जे कर्यु तेने विस्तारीने कहता हवा। महाराज पोते लोया गामनी अंदर बिराजमान थया छे। कार्तक महीनो चाले छे। कृष्ण पक्षनी तीरसनो दिवस छे अने रात्रिना समयनी अंदर महाराज पोते सभा करीने बैठा छे। ठंडीनी शुरुआत थई छे। चमकारो चालतो हशे एटला माटे महाराजे पोते धोळी पछेड़ी ओढ़ी छे। त्यार पछी रूनो भरेलो धोळो सुरवाळ पहेर्यो छे। धोळी चीटनी डगली पहेरी छे। सामे संतो अने हरिभक्तो सभामां बैठा छे। ते वक्ते भगवदानंद स्वामी अने शिवानंद स्वामीए महाराज ने प्रश्न कर्यो कि भगवान अने संत एनो जेने महिमा ए सहित निश्चय होय तेना शा लक्षण छे। वर्षोना भगवान स्वामीनारायणना समागम पछी आ संतोने एटलो तो ख्याल आव्यो छे कि साधु थया पछी के सत्संगी थया पछी के तिलकचांदलो कर्या पछी के कंठीमाळा धारण कर्या पछी आध्यात्मिक मार्गमां अतिशय अगत्यनी महत्ता कोई पण साधनानी होय तो भगवान अने संतना महिमाए सहित निश्चयनी महत्ता छे। कंठी प्यारी होय परंतु निश्चय न होय तो ये कंठी कल्याण न करे। तिलक चांदलो करतो होय पण भगवाननो महिमाए सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय न होय तो ये तिलक चांदलो पण कल्याण न करे। देवदर्शन करवा माटे जतो होय दंडवत करतो होय प्रदक्षिणा करतो होय गंगा में डुबकी लगाड़तो होय यात्रा करतो होय घणु बधु करतो होय परंतु भगवान पुरुषोत्तम नारायण अने एमना जे उत्तम भक्त गुणाती संत एनो महिमा सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय थयो न होय तो ये तमाम साधनों द्वारा पुण्य थाय परंतु आत्यंतिक कल्याण ने पामी शकाय नहीं। आ मुद्दा ने आ संतो बहु सारी रीते समझी शक्या छे एटला माटे महाराज ने प्रश्न करो। महाराज जेने भगवाननो ने संतनो महिमाए सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय थयो होय एना शू लक्षण छे आ प्रश्न आपणे समझवानी जरूर छे। प्रश्न मात्र एटलो ज नथी पूछाणो के भगवाननो महिमा अने भगवाननो निश्चय थयो होय भगवाननी साथे साथे एमना जे उत्तम संत गुणाती संत एनो पण निश्चय करवानो छे एनो पण महिमा समझवानो छे एने पण ज्ञाने करीने समझवाना छे कि संतनी आध्यात्मिक भूमिका केटली ऊंची छे ए गुणाती संतनो शू महिमा छे एनी शू सामर्थ्य छे ए भगवानना केटला प्यारा छे केटला नजीक छे ए महिमा पण आपणे समझवानी जरूर छे। भगवान सहजानंद स्वामी ने अपने सर्वोपरि समझिए करता हरता समझिए सदा साकार समझिए अंतर्यामी समझिए ये भगवान ने प्रगट पण समझिए पण भगवान जे अक्षरधाम नी अंदर बिराजमान थईने रह्या छे अनंत मुक्तोनी वच्चे दिव्य सिंहासन में बिराजमान थईने रह्या छे अने आदि अनादि काल थी जे अक्षर ब्रह्म भगवान सहजानंद स्वामी ने स्वामी सेवक भावे भक्ति उपासना ने सेवा करी रहा छे ए संतना महिमानु पण आपने खबर होवी जोईए ज्ञान होवु जोईए एनो पण निश्चय थवो जोईए। ए संतने आपने भगवान नथी कहेवाना भगवान नथी मानवाना पण भगवान राखेला छे एकांतिक धर्म सिद्ध करेलो छे भगवानना मळेला छे अंगो अंगनी अंदर भगवान ने राख्या छे
अनंत कोटि ब्रह्मांडनी अंदर भगवान पुरुषोत्तम नारायण सिवाय कोईपण पदार्थनी अंदर एमने आसक्ति वासना ने कामना नथी अने ए गुणातीत अक्षर ब्रह्म छे। अनादि काल थी अनंत जीवात्माना मायाना कपट ने वासना ने स्वभाव ने प्रकृति ने टाड़े बाड़े एवी शक्ति ने सामर्थ्य धरावे छे अने भगवान सहजानंद स्वामी ने अतिशय अतिशय निरेष्ट ने डियरेष्ट पात्र छे। आवो महिमा अने आवो निश्चय अपने पण समझवानो छे अने ए समझाय तो ज आपनु अत्यंत कल्याण थाय। प्रश्न पूछानो छे के महिमाए सहित अने ज्ञाने सहित भगवान सहजानंद स्वामी नो जेने निश्चय थयो होय एना लक्षण महाराज हवे बतावे छे। महाराजे कहू कि भगवान ने संत नो महिमा सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय थयो होय एना थी भगवान ने अर्थे अने संत ने अर्थे शू न थाय। पहली कलम भगवान ना माटे ने भगवान ना राखेला एटले के जेना द्वारा भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रगट छे वा गुणाती संतना माटे शू न थाय। मरी मटवानी भावना जागे ए कुराजी थायो क्यारे पण विचार न थाय। ए उशियाळा थायो क्यारे पण संकल्प न जागे। मन वचन ने कर्मे करीनी एनी आज्ञानुं पालन थाय। जे कहे ते संपूर्ण श्रद्धा साथे विश्वास साथे महिमा साथे उमंग साथे पोताना परम महाभाग्य मानीने भगवान ने संत कहे ते करवा माटे तत्पर बनी जाए ने मनमा अने एना शरीरना रोमीरोमनी अंदर एक तमन्ना ने जंखना होय के मारे भगवान ने संत कहे तेम ज करवू छे राजी थाय तेम ज करवू छे आवो प्रकारनो एक निश्चय एना मनमा होय। आपणे आपणी जबान द्वारा घणी घणी वखत बधी जग्याए कहता फरीए छे के अमे तो स्वामीनारायणमां मानीए छे। कोई मेळामां मळी जाय कोई समूहमां मळी जाय कोई प्रसंगोपात मळी जाय सामे वैष्णव होय सामे शैव भक्त होय सामे रामानंदी होय सामे हरिकृष्ण वाला होय तो आपणे एमने कहीए छीए के अमे स्वामीनारायणमां मानीए छीए। कहेवू जोईए निधड़कपणे कहेवू जोईए छाती काढ़ीने कहेवू जोईए उमंग अने उत्साहथी कहेवू जोईए अने अस्मिता राखीने कहेवू जोईए कि हूँ स्वामीनारायणने मानू छूं अमे स्वामीनारायण वाला छीए अमे स्वामीनारायणने मानीए छीए। आटलू कही तो दईए छीए परंतु स्वामीनारायणने मानीए छीए परंतु स्वामीनारायणनुं मानीए छीए। भगवान स्वामीनारायणे शिक्षापत्रीमां वचनामृतमां बीजा उपदेश वचनोमां आपणने जे कंई कह्युं ए आपणने मनाय छे ए नथी मनातुं तो पछी आपणे स्वामीनारायणने मानीए छीए एवुं कहेवानो आपणने अधिकार नथी। भगवान स्वामीनारायण कहे एमां आपणने सत्यता मनाय प्रतीति आवे श्रद्धा जागे विश्वासपूर्वक आपणे मानी लईए क्यारे पण तर्क वितर्क न थाय तो समझी लो कि आपणे स्वामीनारायणने मानीए छीए। अने ए भगवान स्वामीनारायणे घणा घणा वचनामृतोनी अंदर कह्युं कि चार वेद अठार पुराण रामायण महाभारत इतिहास सर्वे में एक ज वात छे कि भगवान अने भगवानना संत एज कल्याणकारी छे। आ वचन मारा पॉकेटमांथी काढ़ीने नथी कहेतो गौमुखीमांथी काढ़ीने नथी कहेतो कल्पनाना घोड़ा दौड़ावीने वात नथी करतो। भगवान स्वामीनारायणना वचनामृतमां आ वचनो लखायेला छे कि चार वेदना नाम पण आपणने आवडता नहीं होय अढार पुराणना नाम पण आपणने खबर नथी इतिहास महाभारत तमाम आध्यात्मिक ग्रंथों की अंदर एक ज मुद्दो छे कि भगवान ने भगवान ना साधु कल्याणकारी छे अने भगवान ना साधु ना दर्शन तो भवब्रह्मादिक देवों ने पण दुर्लभ छे। एमनी सेवा थोड़ा पुण्यवाला ने मळती नथी
आ शब्दो महाराजे पोते कया छे ए वचन में आपने विश्वास आवे छे अने विश्वास आवतो होय तो आपने गुणातीतानंद स्वामीनो महिमा समझिए, गोपाळानंद स्वामीनो महिमा समझिए, मुक्तानंद स्वामीनो महिमा समझिए, ब्रह्मानंद स्वामी निष्कुळानंद स्वामीनो महिमा समझिए अने गुणातीतना संगे गुणातीत थयेला एवा भगतजी महाराजनो महिमा समझिए, गुणातीत गुरु परंपरानो आपणे महिमा समझिए तो ज आपणे जबान द्वारा कही शकीए कि अमे स्वामीनारायणमां मानीए छीए। वात वात में अमने कही तो दईए छे कि अमे स्वामीनारायण वाला छे अने स्वामीनारायण ने मानीए छे, परंतु महाराजना जे वचनो छे कि भगवान नो भक्त जेने महिमाए सहित अने ज्ञाने सहित भगवान नो ने संतनो निश्चय थयो छे एने एक ज प्रकारनी दृढ़ता रहया करे, इच्छा रहया करे कि भगवान अने संत कहे तेम ज मारे करवुं छे, एना माटे शुं न थाय। आ वाक्य आ पहेलो मुद्दो जे महाराजे बतायो एमां थोड़ा ऊंडा उतरवानी जरूर छे। भगवान अने संतने अर्थे शुं न थाय, धन आपी शकाय, दीकरो आपी शकाय, मोटर गाड़ी बंगला आपी शकाय, लाखो रूपाना यज्ञ करावी शकाय, संतने धोत्या उड़ाड़ी शकाय, घणु घणु थई जाय, परंतु भगवान ने संतना माटे शुं न थाय एनी अंदर केटली बधी वातो आवे छे। महाराजे पोते वात करी के भगवान ने भगवान ना संत छे, एना कोई पण कार्य छे माया मुक्त छे, अनंतना उद्धार माटे छे, एमनू मनुष्य चरित्र होय के दिव्य चरित्र होय लोकोना कल्याणना माटे छे, एमने संसारना पदार्थमां लेश मात्र आसक्ति वासना कामना नथी। आवो भगवान ने भगवानना साचा संतनु स्वरूप छे, एमां तर्क वितर्क न करिए तो समझी लो कि आपणे नक्की करवुं छे कि भगवानना अर्थे शुं न थाय। भगवा कपड़ा पहेरी लेवा सहेला छे, लाखोने करोड़ रूपियाना दान आपी देवा ते पण सहेला छे, पोतानो एकनो एक दीकरो, पोताना बे बे दीकरा अने पोताना त्रणे त्रण दीकरा साधु थवा माटे आपी देवा ते पण सहेला छे, अने पोते पण साधुना कपड़ा पहेरीने बेसी जवुं ते पण सहेलुं छे, चांद्रायण व्रत करवुं ते पण सहेलुं छे, बार महीनाना दाणा पाणा करवा ए पण सहेला छे, पण भगवानने अर्थने संतने अर्थे शुं न थाय एटले के एमना कोई पण चरित्रनी अंदर क्यारे पण आपने शंका कुशंका न थाय तो समझी लो कि तमने भगवान पुरुषोत्तम नारायण अने एमना अखंड धारक संतनो महिमाए सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय थयो छे। आ निश्चय भगवान पोते तमारी पासे आवीने एम के कि हूँ भगवान नथी। सहजानंद स्वामी साक्षात मूर्तिमान पोते मोगरानी माला पहेरी माणकी घोड़ी पर बिराजमान थईने अपनी सामे आवीने हाजरा हजूर दर्शन आपे अने आपणने महाराज एम के हूँ भगवान नथी, तमे खोटू लईने मंडा छो, मूकी दो स्वामीनारायणनु नाम, हूँ कई स्वामीनारायण भगवान नथी, हूँ तो तमारा जेवो सामान्य माणस छू। आवा प्रकारना शब्दों कहे तो पण एनी अंदर तर्क वितर्क न थाय, भगवानो डोलायो पण निश्चय न डोले त्यारे समझवो कि आपणने भगवानो महिमा सहित अने ज्ञाने सहित निश्चय थयो छे। प्रमुख स्वामी महाराज अने महंत स्वामी महाराज जाते आपणने पासे बोलावीने सभानी अंदर हजारों माणसों बैठा हो एनी वच्चे महंत स्वामी एवी जाहेरात करे कि हूँ गुणातीत नथी, हूँ ब्रह्म स्वरूप नथी, मारा रोमेरोम मां भगवान रहया नथी, हूँ एकांतिक धर्मनो धारक नथी, हूँ तमारो गुरु नथी, आवो के तो पण एमना वचननी अंदर थोड़ी पण आपणे प्रतीतिमां आगी पाछी न थाय,
शंका कुशंका न थाय ए आपना निश्चय ने डोलावा माटेनो प्रयत्न करे तो पण निश्चय माथी डगमगाट न थाय तो समझी लो कि तमे महाराजे कयो ये मुद्दो सिद्ध करो छे भगवान ने संतने अर्थे शू न थाय आनो आध्यात्मिक अर्थ ए छे कि भगवान ने संतना माटे शू न थाय महाराज ने गुणातीत संत आपने अपना आध्यात्मिक मार्ग में आवा प्रकार भक्त बनावा मागे छे कि आपने भगवान ना मनुष्य स्वरूप नी अंदर क्यारे पण तर्क वितर्क न थाय शंका कुशंका न थाय आपने मूलजी ब्रह्मचारी बनावा मागे छे आपने दादा खाचर बनावा मागे छे आपने गुणातीत भाव ने पमाड़वा मागे छे आपने लाडूबा जीवबा जमकुबा जेवा भक्त बनावा मागे छे कि भगवान ना माटे तान मान धन कुटुंब परिवार सर्वस्व समर्पण करी आपे भगवान राजी थाय एवी प्रकारनु विचारे एवू प्रकारनु बोले एवी प्रकारनु जुवे एवी प्रकारनु सांभळे एवी प्रकारनु मनन चिंतन करे भगवान ने न गमे एवो एक पण स्वभाव क्यारे पण राखे नहीं जेम दादा खाचरना माटे प्रमुख साई महाराज कहता कि भगवान स्वामीनारायण पोतानी आवरदाना 30 वर्ष सुधी दादा खाचरना दरबार में पोतानु घर मानीने केम रह्या तो दादा खाचरे भगवान स्वामीनारायण ने न गमे एवो एक पण स्वभाव राख्यो नहोतो अने भगवान कहे तेम ज कर्युं छे एमना माटे मरी मिटा छे दरबार तो आपो छे परंतु पोतानु मन भगवान स्वामीनारायणना चरणारविंदमां आजीवन समर्पण करी दीधेलू अने एटला माटे दादा खाचरना दरबारनी अंदर भगवान स्वामीनारायण पोतानु घर मानीने रह्या छे अने गार माटीना दरबार ने आजे लोको हजारोनी संख्या में त्यां जईने दंडवत करे छे प्रदक्षिणा करे छे दर्शन करे छे पूजन करे छे मन्नत राखे छे अने सवारना वेला उठीने कीर्तनो गाय छे दादा ने दरबार जाशुं सवारमां नित्ये उठीने श्रीजीनुं मुखडुं जोशुं सवारमां नित्ये उठीने वेली सवारमां गेलाना घाटमां खळखळिये नीर भरी नाशु सवारमां नित्ये उठीने दादा ने दरबार जाशुं सवारमां नित्ये उठीने आ कीर्तन आजनी तारीखे गवाय छे दादा ना दरबार में जईए श्रीजीनु मुखड़ू जोशु सवारमां नित्ये उठीने भगवान स्वामीनारायणना मुखारविंदना दर्शन आपने दादाना दरबार में जईए तो ज थाय तमे आदिवासीनी झूंपड़ी में बैठा हो तमे निम्न ज्ञातिना हो तमारा शरीर पर फाटेला तूटेला कपड़ा होय कदरूपू शरीर होय बपोरनो शुं खावू ए प्रश्न होय पगमां पहेरवाना जोड़ानी चप्पल न होय आवी प्रकारनी परिस्थिति होय पण तो पण तमने भगवान स्वामीनारायण अने गुणाती संतना माटे तमन्ना ने जंखना रोमे रोमनी अंदर वणायेली होय कि मारे भगवान अने संतना माटे शुं न थाय एवी प्रकारनी दृढ़तावाळो कोई पण जग्या होय ते जग्याए अखंड भगवान स्वामीनारायणनी मूर्तिना दर्शन थाय अद्भुत वचनामृत छे लोहियानुं त्रीजुं वचनामृत अद्भुत रीते आपणे समझवानी जरूर छे ऊंडा उतरवानी जरूर छे पहेलामां पहेलो मुद्दो आपणे याद राखीए कि भगवाननो ज्ञाने सहित अने महिमाए सहित निश्चय दृढ़ थयो होय तो पहेलो मुद्दो भगवान अने संतना अर्थे शुं न थाय आ मुद्दो आपणे हृदयनी किताबनी अंदर सोनाना अक्षर लखी राखीए अने दृढ़ाव करी राखीए कि मारे महाराज ने अने महाराज ना अखंड धारक संत प्रमुख स्वामी महाराज ने महंत स्वामी महाराज ने राजी करवा छे अने एमना माटे शुं न थाय
આવી પ્રતિજ્ઞા કરીએ, આવો સત્ય સંકલ્પ કરીએ, આવો દ્રઢાવ કરીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગુરુહરિ આપણને સૌને એવા પ્રકારના બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપે એવી એમના ચરણ કમળમાં પ્રાર્થના. તમામ સંતો હરિભક્તો અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ. મહિમાની વિશેષ વાતો આપણે આવતીકાલના પ્રવચનમાં આ જ વચનાવ્રતના માધ્યમથી સાંભળીશું. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામી.